हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज ही वह बारिश शुरू हो गई है, माशाल्लाह देखो जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है। अभी देखो कैसा मौसम है माशाल्लाह। ये दिन के 1:30 बज गए और माहौल देखो भाई, बारिश शुरू हो गई है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अभी 2 बजे मेरी ड्यूटी है, मैंने पहुँचना है 2 बजे। तो यहाँ से बारिश शुरू हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ में धूड़ भी है, बारिश भी है लेकिन धूड़ भी है, इसलिए गाड़ी जो है ना गंदा कर दिया है। तो अभी अगर तेज़ बारिश हो गई है तो फिर गाड़ी साफ हो जाएगी। ये भी शुरू हो गए देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने एक और काम भी करना है कंप्यूटर के लिए, विंडो लेना है, विंडो करप्ट हो गया मेरा, तो वहाँ से विंडो भी उठा लूँगा। और साथ में ड्यूटी भी है, 2 बजे पहुँचना है, थोड़ा लेट हो गया हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा तेज़ चलाएंगे और क्या कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे दोस्तों का दिल से। ये मेरा डेली रूटीन है, यही रोड है मेरा डेली का। विंडो तो चलो सीधा मिल जाएगा वहाँ से, लेकिन चलो मैंने यहाँ से जाना है क्योंकि रश में फंस गया तो फिर नहीं पहुँच पाऊँगा, 2 बजे तक पहुँचना है मैंने। विंडो इतना ज़रूरी नहीं है, चलो शाम में ले लूँगा, लेकिन ड्यूटी तो जाना है ना, ड्यूटी तो पहुँचना है ना टाइम पे। नहीं पहुँचेंगे तो सैलरी कटेगी, सैलरी कटेगी तो फिर मसला है। चलो पहुँच जाऊँगा, अभी भी है 22 मिनट बाकी है और मेरा लोकेशन बता रहा है 18 मिनट। तो अगर इसी तरह रुक रुक के जाऊंगा तो शायद टाइम पे इंशाल्लाह, अल्लाह करे पहुंच जाऊं बस। जाओ जाओ भाई, इशारा खुल गया, निकलो पाजी। देख लो जो है ना, हमारी तरह मोबाइलों में पड़े रहे हैं बस, इशारा बंद देखते ही बस जो है ना मोबाइल में लग जाते हैं। इंशाल्लाह रास्ते में कहीं से मिल जाएगा विंडो, अगर दुकान खुली होगी। ये स्टेप जो है ना, सब लोग दुकान बंद कर देते, 4 बजे खुल जाते हैं, फिर वो इसलिए कि रोटी मोटी खाना पड़ता है ना हर आदमी को, असर के बाद दुकानें खुल जाती है 4 बजे के बाद। चलो देखते हैं, अगर खुला मिल गया दुकान तो ले लेंगे, वरना फिर शाम में आके। उधर बारिश था, यहाँ बारिश ख़त्म हो गया, देखो अल्लाह का निज़ाम देखो। वहाँ पर बारिश था, यहाँ पे बारिश का कतरा भी नहीं है, देखो कितना धूप है यहाँ पे।
हैं सारे बंद इस साइडों में, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब वहाँ पे थोड़ा सा खुश्क जो ना नज़र आया होगा आप लोगों को, और यहाँ पे देखो फिर दोबारा पानी है। दरमियान में बारिश नहीं हुआ यहाँ पे, और मेरे घर से यहाँ तक बारिश हुआ है, लेकिन आगे यहाँ पर थोड़ा सा दरमियान में बारिश हुआ ही नहीं। और अभी ये देखो यहाँ भी रुका है पानी, यहाँ अभी रुका है बारिश। देखो ये मेरा मोबाइल यहाँ पे नहीं टिकता, गिर जाता है, क्या करें। इसके लिए मैं स्टैंड भी लेके आया था, लेकिन स्टैंड में भी नहीं रुक सकता। ये जालान है, ये नाराज़ है यहाँ से। दो दफा गिर गया मेरा मोबाइल, लेकिन वीडियो में बंद नहीं करूँगा। जिद है मेरे इसके साथ, ये एक दिन ये टूट जाएगा। मेरे स्विच बोर्ड के ऊपर ही आता है, गिर जाता है, कभी गियर से लग जाता है, कभी क्या। लेकिन मैं इसको बोला है छोड़ूंगा नहीं आपको। एक मोबाइल तो मेरा टूट गया इसी स्विच बोर्ड के ऊपर। चलो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये भी नया हदीका बन गया, मजरा बन गया माशाल्लाह। देखो नए पौधे लगाए हैं इन्होंने, तो अभी एक साल के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होगा। यहाँ पर पहले बारिश नहीं होती थी ना, अभी इन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। ये जो है ना रियाज अल हज़रा, ये ग्रेन रियाज, तो इसकी वजह से हर जगह पे माशाल्लाह इन्होंने पौधे लगाए। तो अभी बारिशें भी होती है और मौसम भी इतना गर्म नहीं है जैसे पहले था। पहले यहाँ पे 45-50 तक सेंटीग्रेड तक जो है ना गर्मी जाती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह ये देखो मई जून जुलाई में देखो कम से कम यार 35 तक 35-40 तक जाएगी मेरे ख़्याल में, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दरख्त लगाए हैं, और इसकी वजह से माहौल में असर तो पड़ेगा ना, माहौल पे असर पड़ता है, क्योंकि जहाँ दरख्त ज़्यादा होती है वहाँ माहौल भी साफ़ सुथराई भी होती है, और अब हवा भी अच्छी होती है, तो अच्छी बात है। और लगाना चाहिए, हर कंट्री को चाहिए कि दरख्त लगाए, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, और जहाँ बारिशें नहीं होती है तो वहाँ तो फिर पानी का इशू होता है। इसलिए सब कंट्रीज़ को दरख्त लगाना चाहिए कि बारिशें होएगी तब जो है ना माहौल साफ सुथरा रहेगा। यहाँ पे माशाल्लाह अभी रुका है बारिश। देखो सड़क जो है वो अभी भी पानी है इसमें, लेकिन यहाँ का धूप थोड़ा तेज़ होता है, तो इसकी वजह से अभी खुश हो जाएगा जल्दी। तो चलो फिर भी सही है, अभी बादल हैं ऊपर, बादल हैं, ये अभी आएगी बारिश बोला है, और मोबाइल में भी बता रहा है कि बारिश आएगी। यहाँ पे एक मार्केट है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से अगर विंडो मिल गया तो वहाँ उठा लूँगा। और एक केबल चाहिए, नींद भी आ रही है। यहाँ राइट में भी एक दुकान था, लेकिन अब पता नहीं बंद हो गया है क्या है, लेफ्ट साइड में, सॉरी, हाँ दुकानें सब बंद है। आप लोग सुनाए माहौल कैसा है, गर्मी है सर्दी है, जो इंडियन और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोस्त हैं, फिलिपीन के दोस्त हैं, और नेपाल के और कंट्री के, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।
गर्मी होगी, मौसम गर्मियों का है। अभी तो इतना नहीं है, जून जुलाई तो अभी बाकी है भाई। मैंने अभी यहाँ से राइट होना है, राइट में ये मार्केट है साइड में, तो यहाँ पे मैंने एक सामान लेना है, थोड़ा सा विंडो लेना है और साथ में एक केबल लेना है, अगर इंशाल्लाह यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ तो अभी मैं वीडियो बंद कर दूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे टाइम भी अभी 15-14 मिनट बाकी है, तो ओके गाइज, यहाँ पे गाड़ी भी पार्क नहीं कर सकते ना, यहाँ पे वो मजदूरों का पार्किंग है यार, दूर आ गया हूँ। चलो यहाँ से यू टर्न कर लूँगा यार, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दूँगा। क्या करें यार, मजदूर का पार्किंग इस पे, यहाँ पे मुहालपा देते हैं ना, बहुत बड़ा मुहालपा देते हैं। चलो यहाँ पे पार्किंग मिल गई है, यहाँ पे खड़ा कर दूँगा अभी। ठीक है ओके गाइस, मैं वीडियो भी बंद कर दूँगा। ठीक है चलो, गाड़ी को ला रहे हैं, कोई बात नहीं है। इस मार्केट में मैं आया हूँ, इस मार्केट पर मुझे मिल जाएगा सारा। सबसे पहले तो खुराक का सामान लेना है, और उसके बाद यहाँ एक शॉप है, उसमें अगर मिल गया तो वहाँ से मैं ले लूँगा सामान। पहले मैं यहाँ से 1, 2, 3 और ये 4। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया जी, मैं अभी आगे जाऊँगा, थोड़ा सामान और लेना है, तो आपके साथ फिर गप लगाएंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।